एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉगिंग हो रही है अभी शाम से शुरू। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कुछ जरूरी काम आ गया है तो उसके लिए जा रहे हैं, थोड़ा यहीं मार्केट तक जा रहे हैं। और सुबह से आज ना बहुत सारे काम हुए, जैसे साफ सफाई के सारे काम हो गए। लगता है आज और कल में, 2 दिन में साफ सफाई का पूरा काम हो जाएगा। आज तो आधे से ज्यादा ही निपट गया है, तो बनाने में वीडियो बना ही नहीं पाई इस समय। एक्चुअली सुबह इतनी हौच पच थी, फिर बस शाम से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी क्योंकि बहुत दिनों से हो नहीं पा रही थी। और हाँ, आप लोगों को ये दिखाना है कि मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला है, तो मैं एक मिनट मार्केट से होकर आ जाऊँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे पतिदेव ने क्या गिफ्ट दिया है और दीदी ने कौन सी, दीदी ने साड़ी दी है तो कौन सी साड़ी दी है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अभी आप हमारे साथ जहाँ हम जा रहे हैं। और पता है बिल्कुल इतना थकान सी लग रही है अभी, ऐसा लग रहा है कहीं नहीं जाओ, कुछ भी नहीं करो। लेकिन अभी दिवाली है, दिवाली का उत्साह तो ऐसा रहता है कि आप कितने भी थके होगे लेकिन फिर भी आप घर के भी काम करोगे, बाहर के भी काम करोगे, शॉपिंग भी करोगे, मार्केटिंग सब चीजें करोगे, किसी भी चीज में आप रुक तो सकते ही नहीं हो जब तक दिवाली नहीं हो जाए। तो मतलब बहुत ही एनर्जी रहती है इस समय, चाहे कितना भी काम करवा लो, कुछ भी पकवान बन जाए सारी चीजें। तो चलो अब ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सो फ्रेंड्स, ये दिन का वीडियो है। एक्चुअली साफ़ सफाई करने के लिए हमने एक भैया हैं, ये खिड़कियों वगैरह दरवाज़ों की बहुत अच्छी सफाई कर देते हैं, इन्हीं को हर साल बुला लेते हैं, तो वही सफाई कर रहे थे। और यहाँ बीटू रायू मस्ती कर रहे हैं। ये तो था दिन का वीडियो, इतनी रिकॉर्डिंग करी थी। और अब आता है शाम का। तो शाम को आलू उबल रहे हैं क्योंकि दिन भर के कामों से थकने के बाद हम लोगों को लगा कि कुछ इजी बनाया जाए, क्योंकि ना आज अर्चना दीदी भी नहीं आएंगी तो आलू के पराठे बनेंगे। और ये ऑफिस से आ गए हैं तो हम लोग तो चाय पी चुके हैं, अब इनकी चाय बन रही है, बन चुकी है, तो मैं इनको चाय देने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम लोग को मार्केट जाना है। आज मैंने सोचा है कि इन लोगों के लिए कपड़े देख लेते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा देर के लिए न्यू मार्केट वगैरह नहीं जा सकती हूँ, तो यहीं पास के ही मार्केट जाऊँगी। और आलू उबल चुके हैं तो मैं छील लेती हूँ आलू। और यहाँ पर इन्होंने चाय पीने के बाद दोनों बच्चों को संभाल रखा है क्योंकि दीदी के पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारे काम है, तो वो अपने सारे काम निपटाएंगी। तो मैंने कहा जब तक मैं इधर कर लेती हूँ, आप बेटू को देख लो। और अब ये रोने लगे, इनको तो बस 2 मिनट भी छोड़ दो ना तो रोना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू छिल जाएँ। आलू छिलने के बाद मैं बना लूँगी मसाला आलू के पराठे का। और क्या रहता है ना यार, दिवाली वगैरह में जितने भी काम करो ना उतने भी कम होते हैं, मतलब करते करते ना एकदम से थकान से भी लगने लगती है। लेकिन ना ये लगता है यार त्यौहार है, ये नहीं किया तो ये छूट जाएगा, वो नहीं किया तो वो छूट जाएगा, तो यही सब चीज़ें लगी रहती हैं। और बेटू भी आजकल ना थोड़ा परेशान करने लगा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा मैं सोची थी कि चुप रहेगा, तो रोने होने लगता है बीच में। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ अपने आलू के पराठे का मसाला, तो जिसके लिए मैंने ऑयल डाला है और थोड़ी जैसे राई डाली है, जीरे डाला है, थोड़ी हींग डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, उसके बाद आलू डाल के अच्छे से चला लूँगी। फिर मैंने उसमें लाल मिर्च, गर्म मसाला, नमक ऐड करके अच्छे से मिला लिया है। और चूँकि दीदी सफाई के कामों में व्यस्त हैं तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करो, आज शाम की संध्या वंदन तुम कर लो, दिए वगैरह जला दो। तो मैंने कहा ठीक है, जो रोज़ के दिए जलते हैं तुलसी जी वगैरह में। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर सकूँ, हालांकि बच्चों के कारण और ये साफ़ सफाई सारी चीज़ों के कारण ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो करना चाहिए। तो अब मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, मतलब आज वीडियो आएगा फिर कल भी आ सकता है फिर परसों भी आ सकता है, क्योंकि अब तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया बनता ही रहेगा। और हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो मैं जैसे बाहर जाती हूँ कभी बेटू को छोड़ के, तो मैं उसके लिए ऊपर का दूध बना के रख के जाती हूँ, जिससे अगर वो रोए वगैरह तो दीदी उसे दे दें। वैसे तो मैं उसे ऊपर का दूध बहुत ही कम देती हूँ, अगर कहीं इमरजेंसी है, अगर मुझे बेटू को लेकर नहीं जाना है तो ही मैं देती हूँ। नहीं नहीं, फिर चप्पल गिर जाती है ना, अभी वो ले ली थी गाड़ी की चाबी, इधर से वो पैरों से गिर जाती है। मैं पहना देता हूँ। चलो आगे बैठ जाओ।
अय्यर को बोल देंगे। अय्यर से नहीं बनती तो अय्यर किसी को जैसे ये हाँ, वो वाले। अच्छा वो भी बना सकते हैं शॉर्ट में। हाँ घर की चाबी। हाँ एक सवा घंटा डेढ़ घंटा चल रहा है बात का साथ में आए थे जब एक बार मिलते हुए नई नया हमने बाइक। हाँ आप मत बंद करो पापा बंद करेंगे। आयु आजा आजा उधर आपके लिए लेना है कपड़े दिवाली के। ये वाले इनकी क्या रेंज होगी? जो आपको इसमें चॉइस में हो वो अलग कर दो। ये भी समझ में नहीं है ये क्या है सारे सिलेक्ट कर एक रुपया भैया ये वाला भी चॉइस में रख दो एक के ऊपर एक रखवा दे। एक ये एक कौन सा दीदी एक ये मैंने बोला था और एक ये येलो में से बोला था। ये पूरा बॉक्स शॉपिंग कर रही है ये क्या अजय भाई का ये आइटम देखो ये आइटम भी अच्छा है ये खोल के देखो। हाँ आपका नीचे ले रहे हैं आराम से लेंगे ठीक है। फोटो खींचे तुम्हारी किटकैट के साथ खिंचवा रहे हो वीडियो बना रहे पीछे से लगा के चेक जो कैरी कर लेगा। हाँ यार एक्चुअली क्या रहता नहीं बढ़ते बच्चे ज्यादा दिन इनको पहनना है नहीं है ना ठीक है फिर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्या? इससे बड़ा लेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे कह रहे हम। ऐसे कौन करता है कैसे अरे हाँ शायद फुआ की आएगी चल इनका हाथ पकड़ लो उन लोगों की गाड़ी खड़ी होती जाएगी। सब लिफ्ट में आ गए अपन ऊपर चल रहे हैं सो हम लोग जिस काम के लिए गए थे तो फाइनली वो काम तो हो गया है और अब बस घर में जाना है फटाफट अभी खाने पीने की कोई तैयारी नहीं हुई है मतलब आधी तैयारी तो करके आ गई थी मैं आलू का मसाला तैयार करके आ गई थी तो बस पराठे बनाने हो सकता है दीदी ने बना लिए होंगे या हो सकता है मुझे बनाने पड़े तो चलो चल के देखते क्योंकि दीदी को आयु बेटू को भी संभालना पड़ा था। बुलाओ दादा को बोलो बोलो दादा आ जाओ दादा। सो फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं और आने के बाद जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिखाऊंगी कि मुझे करवा चौथ में दीदी ने और इन्होंने क्या दिया है तो मैं आपको बताती हूँ दीदी ने मुझे बहुत ही सुंदर सी रामा ग्रीन कलर में साड़ी दी है जो कि ऑर्गेंजा उसका फैब्रिक है और ना उसमें हल्के हल्के स्टोन वर्क है तो वो बहुत ही सुंदर और इतनी अच्छी साड़ी लग रही है तो मैंने सोचा है कि मैं इस साड़ी को दिवाली में पहनूंगी। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इन्होंने मुझे क्या दिया है पतिदेव ने इस बार करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया तो वो ये है। तो ये क्या है ये गोल्ड रिंग है एक्चुअली मुझे मतलब पता नहीं था इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया तो मुझे इतना अच्छा लगा और इन्होंने उस दिन आके मुझे दिया तो मैंने कहा कि मैं बता आप लोगों को भी बताऊँगी मुझे क्या मिला। और ये मेरी रिंग फिंगर है तो इसमें मैं पहले पहनती थी बट वो टूट गई थी तो तब से मेरे पास थी नहीं तो इन्होंने ये मेरे लिए लेके आई कि तुम इसमें पहनना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज के वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा।